Hit subscribe button and don't forget to press the bell icon for regular updates. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सीए जसमीत सिंह अरोड़ा और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज का वीडियो जो है वो प्लेस ऑफ सप्लाई के ऊपर है और ये जो वीडियो है ये रिलेवेंट है फॉर सीए फाइनल स्टूडेंट्स, सीएस एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल स्टूडेंट्स एंड फॉर द सीएमए स्टूडेंट्स एंड दिस वीडियो इज नॉट रिलेवेंट फॉर सीए इंटर स्टूडेंट्स। तो ये सीए इंटर के सिलेबस में नहीं है, फाइनल के सिलेबस में है, तो ये सीए इंटर के लिए वैलिड नहीं होने वाली है। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो और समझते हैं कि सर ये प्लेस ऑफ सप्लाई हमें पढ़ने की जरूरत क्यों है। बच्चों, ये जो प्लेस ऑफ सप्लाई है इसका काम बस इतना है कि ये ट्रांजैक्शन को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देती है। प्लेस ऑफ सप्लाई हमें हेल्प करती है ये पता लगाने के लिए कि ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट है कि ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट है। सर, ये डिफरेंस हमें क्यों पता करना है। बच्चों, हमें ये डिफरेंस इसलिए पता करना है क्योंकि अगर ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट है तो इसके ऊपर लगता है आईजीएसटी, और ट्रांजैक्शन अगर इंट्रा स्टेट है तो इसके ऊपर लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी, और अगर ये यूनियन टेरिटरी है तो लग जाएगा यूटीएचएसटी। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हमें टैक्स कौन सा लगाना है, आईजीएसटी लगाना है कि हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाना है। ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमें प्लेस ऑफ सप्लाई पता होनी चाहिए। सर, अकेला ये प्लेस ऑफ सप्लाई हमें कैसे मदद करेगा ये पता लगाने के लिए। बच्चों, अकेला प्लेस ऑफ सप्लाई मदद नहीं करेगा, हम लोकेशन ऑफ सप्लायर को भी कंसीडर करेंगे। अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर सेम स्टेट में है, अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है तो बच्चों ये ट्रांजैक्शन जो है ये इंट्रा स्टेट है और इसके ऊपर आप क्या लगा दीजिएगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा दीजिएगा। और अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट नहीं है तो इस ट्रांजैक्शन को हम क्या बोल देंगे, इस ट्रांजैक्शन को हम बोल देंगे इंटर स्टेट। और इस इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन पे बच्चों क्या लगा दिया जाएगा, सर आईजीएसटी लगा दिया जाएगा। ठीक है सर। सर, गुड्स और सर्विसेज के लिए क्या एक जैसा रूल है? नहीं बच्चों, हमारे जो गुड्स हैं उनका प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड करेगा सेक्शन नंबर 10 एंड 11 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। सिमिलरली हमारी जो सर्विसेज है इन सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेगा सेक्शन नंबर 12 एज वेल एज 13 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। ठीक है, इस वाली वीडियो में हम सेक्शन 10, 11 एंड 12 कवर कर लेंगे और एक दूसरा पार्ट बनाएंगे वीडियो का, उस वीडियो में हम केवल सेक्शन नंबर 13 कवर करेंगे। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम स्टार्ट करते हैं हमारे प्रोविजंस। और ये प्रोविजंस क्या कहते हैं, सबसे पहले हम गुड्स का प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे और सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो सेक्शन नंबर 10 लगेगा डोमेस्टिक सप्लाई के ऊपर, अगर इंटरनेशनल सप्लाई है मतलब कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है तो सेक्शन नंबर 11 लगेगा, अदर देन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है तो सेक्शन नंबर 10 लगेगा। इसका पहला पॉइंट कहता है वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है, सप्लाई में मूवमेंट है, वेदर बाय द सप्लायर और द रिसिपियंट और बाय एनी अदर पर्सन। मूवमेंट कौन लेकर आ रहा है गुड्स के सप्लाई में यह मैटर नहीं करता है, सप्लायर लेकर आए, रिसिपियंट लेकर आए या कोई और पर्सन लेकर आए, आपका जो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम एट विच द मूवमेंट ऑफ गुड्स द
टर्मिनेट्स। तो जब आपकी मूवमेंट टर्मिनेट होगी उस समय जहां पर गुड्स होंगे वो जगह आपका क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है सर, मजा नहीं आया, क्वेश्चन बताइए। हाँ सर बेटा बिल्कुल, क्वेश्चन करेंगे, विद क्वेश्चन ही काम होगा, बिना क्वेश्चन के काम हो ही नहीं सकता है। ये पहले वाले पॉइंट का एग्जांपल पढ़ रहे हैं। एक्स लिमिटेड ऑफ मुंबई रिसीव्स ऑर्डर फ्रॉम ए लिमिटेड ऑफ जयपुर। तो एक्स लिमिटेड ऑफ मुंबई को ऑर्डर मिला है ए लिमिटेड ऑफ जयपुर से फॉर द सप्लाई ऑफ सर्टेन गुड्स, द प्राइस कोटेड बाय एक्स लिमिटेड बीइंग इंक्लूसिव ऑफ फ्रेट, एक्स लिमिटेड अरेंजेस फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स। एक्स लिमिटेड अरेंजेस फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स, यानी कि सप्लायर ने अंडरटेक करी रिस्पॉन्सिबिलिटी गुड्स को डिलीवर करने की, और गुड्स डिलीवर कहां होंगे, टू जयपुर। तो बच्चों यहां पर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, गुड्स का मूवमेंट कहां से हो रहा है सर, गुड्स का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम मुंबई टू जयपुर, और ये मूवमेंट कौन लेकर आ रहा है, सप्लायर लेकर आ रहा है। डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, तो सर प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स होगी लोकेशन वेयर मूवमेंट टर्मिनेट्स एंड मूवमेंट टर्मिनेट्स एट जयपुर। ओके, तो प्लेस ऑफ सप्लाई आपका क्या बन जाएगा, जयपुर। वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ ए लिमिटेड हैज अरेंज्ड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स विच आर डिलीवर्ड टू इट बाय द ट्रांसपोर्टर इन जयपुर। तो सर अगर ए लिमिटेड कौन है सर, ए लिमिटेड है रिसिपियंट, एक्स लिमिटेड कौन है, एक्स लिमिटेड था सर सप्लायर। तो अगर सप्लायर मूवमेंट लाए, चाहे रिसीवियन मूवमेंट लेकर आए, चाहे कोई तीसरा पर्सन मूवमेंट लेकर आए, प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगी जहां मूवमेंट टर्मिनेट हुई है, और मूवमेंट आपकी टर्मिनेट हो रही है जयपुर में, जयपुर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इस ट्रांजेक्शन को फर्दर डिटेल में लेकर जाते हैं और क्या कहना चाह रहा है ये आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे जो आपका एक्स लिमिटेड था वो कौन था सर, वो सप्लायर था। और बच्चों सप्लायर की लोकेशन किधर की थी सर, ये जो एक्स लिमिटेड था ये तो सर मुंबई का था, बिल्कुल सही बच्चों, ये मुंबई का था। और सर सप्लायर का रिसिपियंट कौन था सर, इस सप्लायर का रिसिपियंट था ए लिमिटेड, और ए लिमिटेड की लोकेशन क्या थी, ए लिमिटेड की लोकेशन थी जयपुर, इसकी लोकेशन थी सर जयपुर। और बच्चों प्लेस ऑफ सप्लाई क्या थी सर, प्लेस ऑफ सप्लाई बन रही है जयपुर एज पर सेक्शन 10। ठीक है, अभी अभी मैंने बताया लोकेशन ऑफ सप्लायर अगर प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट नहीं है तो क्या हो जाएगा, तो सर ये ट्रांजेक्शन, तो ये ट्रांजेक्शन इंटरस्टेट हो जाएगा। हाँ बच्चों, तो सर ट्रांजेक्शन क्या हो गया सर, ये ट्रांजेक्शन हो गया इंटरस्टेट। और सर इंटरस्टेट पे क्या लग जाता है, इंटरस्टेट पे लग जाता है बच्चों IGST। अब मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे बच्चों वाला, कि सर ये IGST पे कहां होगा, ये IGST पे कहां होगा, ये IGST पे होगा मुंबई में कि जयपुर में, क्या लगता है, लोकेशन ऑफ सप्लायर मुंबई है, प्लेस ऑफ सप्लायर जयपुर है, तो टैक्स किधर जमा होगा, महाराष्ट्र में कि राजस्थान में। बच्चों टैक्स जमा होगा महाराष्ट्र में। ठीक है, IGST इज पेबल एट महाराष्ट्र बाय एक्स लिमिटेड अगर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग रहा है तो FCM में। बात समझ में आ गई, क्लियर हुई। तो टैक्स किधर पे होगा, टैक्स पे होगा जहां पर लोकेशन ऑफ सप्लायर होगी। अगर RCM लग रहा होता, अगर RCM लग रहा होता तो ये पेबल होता एट राजस्थान अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्लियर, चलिए दूसरा पॉइंट पे आते हैं और
दूसरा पॉइंट जो है आपका वो है वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड, वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द रिसिपियंट और एनी पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ द थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के कहने पे अगर आपने कहीं पर गुड्स डिलीवर करे हैं तो आपका जो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा वो बनेगा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सच थर्ड पर्सन। सपोज करिए वाई लिमिटेड ने एक्स लिमिटेड को डायरेक्शन दिया कि भाई तू गुड्स डिलीवर कर दे ए लिमिटेड को, तो प्लेस ऑफ सप्लाई किसकी बनेगी? सर प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगी लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन यानी कि वाई लिमिटेड। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर वाई लिमिटेड के कहने पे एक्स लिमिटेड ने ए लिमिटेड को गुड्स डिलीवर करे तो ए लिमिटेड रिसिपियंट है, एक्स लिमिटेड सप्लायर है और वाई लिमिटेड आपका थर्ड पर्सन है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन यानी कि वाई लिमिटेड। आइए इसका भी एक क्वेश्चन देखते हैं। मेसर्स पी ऑफ जयपुर प्लेसेस ऑर्डर्स ऑन मेसर्स क्यू ऑफ जयपुर फॉर डिलीवरी ऑफ सर्टेन गुड्स। मेसर्स पी डायरेक्ट्स मेसर्स क्यू टू डिलीवर द गुड्स टू मेसर्स आर इन मुंबई and Messrs. Q arranges for the transportation of goods to Messrs. R in Mumbai, what will be the place of supply of goods? Sir, place of supply of good is third person's place of business और third person हमारे पास यहाँ पर है P, P है हमारे पास third person, Q है हमारे पास supplier और R है हमारे पास रिसिपियंट। थर्ड पर्सन की लोकेशन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस यानी कि जयपुर। अब इस क्वेश्चन में आपका ट्रांजेक्शन कैसा है? सर इस क्वेश्चन में हमारा जो ये ट्रांजेक्शन है वो ऐसा है कि आपका जो सप्लायर है क्यू उसका लोकेशन क्या है? जयपुर। जो थर्ड पर्सन है यानी कि पी उसका लोकेशन भी क्या है? जयपुर। और ये दोनों किधर आते हैं? सर राजस्थान में आते हैं, यानी कि ये ट्रांजेक्शन इंट्रा स्टेट है। इस ट्रांजेक्शन पे लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी और ये पेबल होगा एट राजस्थान। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान, बिल्कुल भी टफ नहीं है। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके पास आता है Where there is no movement of goods, where there is no movement of goods either by the supplier or by the recipient, कोई movement ही नहीं है goods की, तो location of such goods at the time of delivery to the recipient will be the place of supply. क्या बोल रहा है कि अगर movement नहीं है तो जहां पर आपने goods deliver करे, sorry, गुड्स डिलीवर करते वक्त जहां पर गुड्स थे एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो लोकेशन थी गुड्स की वही आपके लिए क्या बन जाएगी? प्लेस ऑफ सप्लाई। आइए इसका भी एक क्वेश्चन करते हैं। मिस्टर एक्स है राजस्थान के हैं, वेंट टू बैंगलोर ऑन वेकेशन, वेकेशन पे गए हैं बैंगलोर। ही परचेज्ड मोबाइल फोन फ्रॉम द शॉप लोकेटेड इन बैंगलोर, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब देखो अगर आर राजस्थान का है, बैंगलोर घूमने गया है और वहां पे किसी मोबाइल स्टोर से मोबाइल खरीदता है तो सप्लायर ये थोड़े ना कहेगा कि बाबू आप राजस्थान चलो मैं वहां पर आपको मोबाइल डिलीवर करवा दूंगा ना। सर छोटा सा मोबाइल होता है, पॉकेट में आ जाएगा, हैंड टू हैंड क्या कर दिया जाएगा, गुड्स को डिलीवर कर दिया जाएगा, देयर विल बी नो मूवमेंट इन्वॉल्व्ड। बात समझ में आया? तो यहां पर डिलीवरी देते वक्त गुड्स कहां पर था? सर डिलीवरी देते वक्त गुड्स था बैंगलोर पे, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या बनेगी? प्लेस ऑफ सप्लाई भी बनेगी आपकी बैंगलोर। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई बैंगलोर है, सप्लायर किधर का है? सर सप्लायर भी बैंगलोर का ही है। ये ट्रांजेक्शन कैसा हो जाएगा? सर ट्रांजेक्शन इंट्रा हो जाएगा और इंट्रा वाले ट्रांजेक्शन पे बच्चों क्या लगता है? सीजीएसटी और एसजीएसटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और Where the goods are assembled or installed at site. तो goods को क्या किया गया है? Assemble किया गया है
या फिर गुड्स को इंस्टॉल किया गया है तो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा, प्लेस वेयर द गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड। जहां कहीं पर भी गुड्स को असेंबल किया जाएगा या फिर इंस्टॉल किया जाएगा वो बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। आइए इसका भी क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर ए लोकेटेड इन चेन्नई, मिस्टर ए लोकेटेड इन चेन्नई प्लेसेस एन ऑर्डर ऑन मिस्टर बी ऑफ चेन्नई फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एट हिज फैक्ट्री इन दिल्ली। तो बच्चों मशीन कहां इंस्टॉल होने वाली है? मशीन बच्चों इंस्टॉल होने वाली है दिल्ली में। मिस्टर बी प्रोक्योर्स वेरियस पार्ट्स ऑफ द मशीन फ्रॉम डिफरेंट स्टेट एंड अरेंजेस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द सेम इन द एस फैक्ट्री एट दिल्ली। डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द मशीन। सर जहां पर मशीन को इंस्टॉल किया गया है, मशीन को इंस्टॉल किया गया है दिल्ली में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा? दिल्ली। सप्लायर सर किधर का है? सर सप्लायर है चेन्नई का। दोनों अलग अलग लोकेशन में है। ये ट्रांजेक्शन कैसा रहेगा बच्चों? सर ये ट्रांजेक्शन रहेगा इंट्रा। ये ट्रांजेक्शन कैसा रहेगा? इंट्रा। और इंट्रा वाले ट्रांजेक्शन पे हम क्या लगाएंगे? IGST। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Where the goods are supplied on board a conveyance like a vessel, aircraft, train or motor vehicle. हम सब अगर फ्लाइट से ट्रेवल नहीं भी किया है तो हमने शताब्दी राजधानी से ट्रेवल किया हुआ है। तो जब हम शताब्दी राजधानी से ट्रेवल करते हैं तो ड्यूरिंग द जर्नी हमें ब्रेकफास्ट, ब्रंच या फिर लंच और डिनर की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। तो ये जो आपको ऑन बोर्ड कन्वेंस मतलब ड्यूरिंग द ट्रेवल, ड्यूरिंग द जर्नी जो ये फूड सप्लाई किया जाता है, इस फूड सप्लाई का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? प्लेस वेयर सच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड द कन्वेंस। जहां कहीं पर भी इन गुड्स को कन्वेंस पे चढ़ाया गया है, जहां कहीं पर भी इन गुड्स को कन्वेंस पे चढ़ाया गया है, वो जगह आपकी क्या बन जाएगी? प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। आइए क्वेश्चन देखते हैं इसका भी, तो बात ज्यादा क्लियर होगी। एक्स लिमिटेड ऑफ दिल्ली एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द एयरलाइंस अथॉरिटी फॉर द सप्लाई ऑफ फूड पैकेट्स टू द पैसेंजर फ्लाइंग ऑन दिल्ली बेंगलुरु रूट। एक्स लिमिटेड ऑफ दिल्ली एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद एयरलाइंस अथॉरिटी फॉर द सप्लाई ऑफ फूड पैकेट्स टू द पैसेंजर फ्लाइंग ऑन दिल्ली बेंगलुरु रूट। एयरक्राफ्ट कमेंस द जर्नी फ्रॉम दिल्ली। The goods were loaded on the board the aircraft in Jaipur. तो goods को aircraft पे कहां board किया गया है? जयपुर में। यानी कि जयपुर ही आपका क्या बन जाएगा? Place of supply. Supplier किधर का है? सर ये X Limited of Delhi जो है ये व्यक्ति आपका supplier है। तो supplier का location है Delhi और प्लेस ऑफ सप्लाई बना है जयपुर। यानी कि ये ट्रांजेक्शन बच्चों कैसा हो गया? सर ये ट्रांजेक्शन हो गया इंट्रा। और इंट्रा वाले ट्रांजेक्शन पे आप क्या लगा देते हैं? IGST। इसके बाद अगला पॉइंट, वेयर द प्लेस ऑफ सप्लाई कैन नॉट बी डिटरमिंड इन टर्म्स ऑफ अबव प्रोविजन। तो अगर अबव प्रोविजन एप्लीकेबल ना पे हो पाए, टू बी डिटरमाइंड इन द प्रिस्क्राइब मैनर, जो भी मैनर गवर्नमेंट डिस्क्राइब करेगी उसके हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड कर लिया जाएगा। चलिए फटाफट से एक बारी प्रोविजन को रिवाइज कर लेते हैं। प्रोविजन आपसे क्या कह रहे थे? प्रोविजन सर हमसे कह रहे थे कि अगर प्रोविजन हमसे कह रहे थे कि अगर देयर इज अ मूवमेंट इन्वॉल्व्ड इन द अगर मूवमेंट है अगर मूवमेंट आ रही है सप्लाई में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी जहां पर मूवमेंट टर्मिनेट होगी। अगर मूवमेंट नहीं है अगर कोई भी मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो प्लेस ऑफ टाइम सप्लाई होगी लोकेशन ऑफ गुड्स
एट द टाइम ऑफ सप्लाई. अगर आपने गुड्स डिलीवर करे हैं ऑन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, थर्ड पर्सन का जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वो बन जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई. इसके बाद बोल रहा है कि अगर सप्लाई में इंस्टॉलेशन है, असेंबली है, तो लोकेशन जहां पर इंस्टॉलेशन इज डन वो बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई. एंड द लास्ट पॉइंट कहता है गुड्स सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वेंस. अगर आपको कन्वेंस में गुड्स सप्लाई करे गए हैं तो लोकेशन वेयर गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, जहां पर गुड्स को कन्वेंस पे चढ़ाया गया है, वो जगह आपके लिए क्या बन जाएगी? प्लेस ऑफ सप्लाई. आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं. अगला सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 11 और ये लास्ट सेक्शन है. फिर गुड्स का प्लेस ऑफ सप्लाई ओवर हो जाएगा. और ये सेक्शन किसकी बात करता है? गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया की और गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया की. तो अगर आपने इंपोर्ट किया है तो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा लोकेशन ऑफ इंपोर्टर. और अगर आपने गुड्स को एक्सपोर्ट किया है तो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा लोकेशन आउटसाइड इंडिया. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने गुड्स यूएसए से इंपोर्ट करे हैं तो आपकी जो लोकेशन है दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. और अगर आपने गुड्स यूएसए एक्सपोर्ट किए हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? यूएसए. ध्यान रहे आपकी जो इंपोर्ट्स हैं वो जीएसटी में टैक्सेबल है और जो आपकी एक्सपोर्ट्स हैं वो आपके जीएसटी में टैक्सेबल नहीं है. उसका सिंपल सा रीजन है, जीएसटी लगता है टैक्सेबल टेरिटरी में और जब प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया होगी तो वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में होगी और नॉन टैक्सेबल टेरिटरी पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं रहती है. क्वेश्चन देखते हैं इसका. एक्स वाई जेड लिमिटेड है जयपुर के और इन भैया ने गुड्स इंपोर्ट करे हैं फ्रॉम PQR यूएस से. द गुड्स वर इंपोर्टेड थ्रू वेसल के थ्रू गुड्स आए हैं एंड डिलीवरी ऑफ द गुड्स वॉज टेकन एट मुंबई पोर्ट. डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई. सर प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ इंपोर्टर और इंपोर्टर भैया जो है वो है जयपुर के. तो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा दैट इज जयपुर. क्लियर है? अच्छा एक और बढ़िया सवाल. सर इस पे क्या लगेगा? सर इस पे इस ट्रांजेक्शन को बोला जाएगा इंटर स्टेट. इस ट्रांजेक्शन को क्या बोला जाएगा? इंटर स्टेट. क्यों? क्योंकि सर लोकेशन ऑफ सप्लायर यूएस है और प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान इंडिया है. यहां तक बात क्लियर हुई? तो सर इस ट्रांजेक्शन पे क्या लग जाएगा बच्चों? लगेगा आईजीएसटी. कौन से मैकेनिज्म पे लगेगा? सर ये आईजीएसटी लगेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. और मजे की बात ये है कि ये वाला आईजीएसटी कस्टम्स एक्ट में लगेगा, जीएसटी एक्ट में नहीं लगेगा. इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली. ठीक है चलिए. तो अगर आपने गुड्स इंपोर्ट करे हैं तो लोकेशन ऑफ इंपोर्टर और अगर आपने गुड्स एक्सपोर्ट करे हैं तो प्लेस आउटसाइड इंडिया. चलिए आगे बढ़ते हैं. और सर्विसेस का प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड करने की कोशिश करते हैं. सेक्शन नंबर 12 और 13 लगेंगे इसके ऊपर. प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड रिसीपियंट इज इन इंडिया. तो आपका सप्लायर भी इंडिया का है और आपका रिसीपियंट भी इंडिया का है तो सेक्शन नंबर 12 लगेगा. और अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर या फिर लोकेशन ऑफ रिसीपियंट
इन दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति इंडिया के बाहर है तो सेक्शन नंबर 13 लगेगा. आई टोल्ड यू बिफोर दैट सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन होता है एज पर सेक्शन 12 एंड एज पर सेक्शन 13. सेक्शन नंबर 12 विल बी एप्लीकेबल व्हेन द रिसिपिएंट एंड सप्लायर बोथ आर लोकेटेड इन इंडिया, वेयर एज सेक्शन नंबर 13 विल बी एप्लीकेबल व्हेन ईदर ऑफ देम या व्हेन वन ऑफ देम इज आउटसाइड इंडिया, ईदर the supplier or the recipient, then the section number 13 will be applicable. In respect of the following 12 categories of service, the place in respect of the following 12 categories of service, the place of supply is determined referred to a proxy. Rest of the services are governed by the default provision. अब ये default provision क्या है और ये default provision कब लगेगा? कह रहा है सर जब नीचे लिखी हुई 12 सर्विसेज एप्लीकेबल नहीं होंगी तो डिफॉल्ट प्रोविजन लगेगा. और डिफॉल्ट प्रोविजन क्या कहता है? डिफॉल्ट प्रोविजन कहता है अगर आपका रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगी सर्विस रिसिपिएंट की लोकेशन. अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन उसका एड्रेस अवेलेबल है तो भी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगी. और अगर उसका एड्रेस भी अवेलेबल नहीं है तो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा सर्विस प्रोवाइडर का लोकेशन. ठीक है, तो अगर आपका सप्लायर का जो रिसिपिएंट है अगर वो रजिस्टर्ड है तो सर्विस रिसिपिएंट की लोकेशन, रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन उसका एड्रेस अवेलेबल है तो भी सर्विस रिसिपिएंट का लोकेशन. अब रजिस्टर्ड भी नहीं है और उसका एड्रेस भी अवेलेबल नहीं है तो प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी सर्विस प्रोवाइडर की लोकेशन. ठीक है बच्चों? जी सर, समझ में आ रहा है जो आप समझाना हमको चाह रहे हैं. ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया. चलिए पहली सर्विस की बात करते हैं. इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज. प्रॉपर्टी किससे रिलेटेड है? इमूवेबल प्रॉपर्टी से. और इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब है लैंड या फिर बिल्डिंग या फिर बोथ. तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विसेज है इंक्लूडिंग अकोमोडेशन इन होटल बोट और वेसल, तो मतलब आप होटल में स्टे करेंगे देन ऑल्सो यू विल बी कवर्ड इन दिस प्रोविजन, आप बोट में स्टे करेंगे देन ऑल्सो यू विल बी कवर्ड इन दिस प्रोविजन, अगर आप वेसल में स्टे करेंगे देन ऑल्सो यू विल बी कवर्ड इन दिस प्रोविजन. लोकेशन, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? प्लेस ऑफ सप्लाई होगी लोकेशन एट विच द इमूवेबल प्रॉपर्टी बोट और वेसल इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड. तो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा लोकेशन एट विच इमूवेबल प्रॉपर्टी और द बोट और द वेसल इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड. और अगर गलती से ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की लोकेशन बोट की लोकेशन वेसल की लोकेशन आउटसाइड इंडिया है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा? लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट. तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी बोट और वेसल इंडिया में लोकेटेड है तो इनकी लोकेशन, और अगर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी बोट और वेसल इंडिया के बाहर लोकेटेड है तो सर्विस रिसिपिएंट की लोकेशन आपकी क्या बन जाएगी? प्लेस ऑफ सप्लाई. आइए क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई इन इंडिपेंडेंट केसेस एज अंडर. अ कंपनी इन पुणे कॉन्ट्रैक्ट्स विद अ पुणे बेस्ड आर्किटेक्ट. अ कंपनी इन पुणे कॉन्ट्रैक्ट्स विद पुणे बेस्ड आर्किटेक्ट टू डिजाइन अ स्ट्रक्चर ऑफ देयर न्यू ऑफिस टू बी लोकेटेड इन बैंगलोर. तो ऑफिस इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इन बैंगलोर दैट इज इंडिया. तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा? लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी दैट इज बैंगलोर.
Mr. A of Jaipur entered into a lease agreement, Mr. B of Jaipur, whereby he leased out his farm in Nagpur. तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की लेटिंग आउट हो रही है, तो आपका प्रॉपर्टी नागपुर में है और नागपुर इंडिया में आता है, प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा आपका नागपुर. मिस्टर ए एन एम्प्लॉई ऑफ एबीसी लिमिटेड कोलकाता गोज ऑन एन ऑफिशियल टूर टू हैदराबाद एंड स्टेज इन अ होटल देयर बुक्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी. तो होटल किधर है? हैदराबाद. हैदराबाद आपका क्या बन जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई. मिस्टर एक्स ऑफ मुंबई अरेंज द डेस्टिनेशन वेडिंग फॉर हिज सन एट पुष्कर. ही बुक्ड अ रिजॉर्ट एट पुष्कर. रिजॉर्ट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी. फॉर द अकोमोडेशन ऑफ हिज गेस्ट एंड ऑल्सो परफॉर्मिंग द मैरिज सेरेमनी. अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग द रिसोर्ट फॉर द मैरिज पर्पज, डेकोरेशन वॉज ऑल्सो प्रोवाइडेड. डेकोरेशन इज एंसिलरी सर्विसेस, और एंसिलरी सर्विस के ऊपर भी यही प्रोविजन लग जाएगा, यानी कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा लोकेशन इन इंडिया, और लोकेशन इन इंडिया इज पुष्कर. इसके बाद द कॉन्ट्रैक्टर ऑफ मेसर्स एबीसी पुणे सब कॉन्ट्रैक्टेड द वर्क कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग एट दिल्ली टू मेसर्स एक्स वाई जेड ऑफ मुंबई टू कंप्लीट द वर्क एज पर द ड्रॉइंग डिजाइन ऑफ द आर्किटेक्ट. तो सर इमूवेबल प्रॉपर्टी किधर लोकेटेड है? दिल्ली में. दिल्ली ही आपका क्या बन जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई. एबीसी लिमिटेड मुंबई के हैं, हायर सब प्रोफेशनल फर्म ऑफ दिल्ली, सर्विस प्रोवाइडर सर्विस रिसिपिएंट दोनों इंडिया के हैं, लेकिन ऑफिस कहां पर डिजाइन हो रहा है? ऑफिस डिजाइन हो रहा है कनाडा में. कनाडा इज आउटसाइड इंडिया. तो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा सर्विस रिसिपिएंट का लोकेशन. एबीसी लिमिटेड ने हायर किया है प्रोफेशनल फर्म दिल्ली का, तो एबीसी लिमिटेड सर्विस रिसिपिएंट है. ये जो भी प्रोफेशनल फर्म है ये सर्विस प्रोवाइडर है. लोकेशन बनेगी सर्विस रिसिपिएंट की प्लेस ऑफ सप्लाई, यानी कि आपका जो मुंबई है इसे बना दिया जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई. आई होप द प्रोविजन इज क्लियर. लेट्स मूव अहेड. अगला सर्विस आता है रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विसेस, पर्सनल ग्रूमिंग फिटनेस ब्यूटी ट्रीटमेंट एंड हेल्थ सर्विसेस. कौन कौन सी सर्विस कवर हो रही है? रेस्टोरेंट की, केटरिंग की, पर्सनल ग्रूमिंग की, फिटनेस की, ब्यूटी ट्रीटमेंट की, हेल्थ सर्विसेस की. लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड. तो आप अगर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? वो रेस्टोरेंट. अगर आप अपना ब्यूटी ट्रीटमेंट कराने के लिए किसी सैलून में जाते हैं तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? दैट पर्टिकुलर सैलून. ओके, तो अगर आप अपना फिटनेस पर्पस के लिए जिम में जाते हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? आपका जिम. तो जहां पर भी ये सर्विस एक्चुअली में परफॉर्म होंगी वही लोकेशन आपकी क्या बन जाएगी? प्लेस ऑफ सप्लाई. क्लियर है? अगला सर्विस आता है आपका ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज. ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस. अगर ये सर्विस बी टू बी है, बी टू बी मतलब बिजनेस टू बिजनेस है, तो एक सर्विस प्रोवाइडर ने अगर किसी दूसरे सर्विस प्रोवाइडर को या सप्लायर को ये सर्विस दी है तो इसको हम क्या बोलेंगे? बी टू बी. और बी टू सी का मतलब क्या है? कि हमने सर्विस किसी कस्टमर को दी है. तो अगर आपने बी टू बी ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज दी हैं तो जो भी रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन है यहाँ पे, यानी कि सर्विस रिसिपिएंट की जो लोकेशन है वो बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई. और अगर आपने कस्टमर को सर्विस दिया है तो जहां पर ये सर्विस एक्चुअली में परफॉर्म होगी वो आपकी बन जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई. आइए क्वेश्चन देखते हैं. एक्स वाई जेड लिमिटेड दिल्ली के हैं, हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद एएसएल ट्रेनिंग लिमिटेड. ये एएसएल ट्रेनिंग लिमिटेड आपका सर्विस प्रोवाइडर है, और ये एक्स वाई जेड लिमिटेड ऑफ दिल्ली जो है ये आपके सर्विस रिसिपिएंट है.
For the training and performance appraisal of its employee, the services were performed at Dehradun Training Center of ASL Training Limited. Determine the place of supply of services if XYZ Limited is registered. So, agar XYZ Limited registered hai, to ye B2B hai, aur XYZ Limited kidhar ke hai, Delhi ke hai, to place of supply kya ban jayega? Delhi ban jayega. Aur agar what would be your answer if XYZ Limited is unregistered? So, this B2C ho jayegi aur B2C mein place of supply hogi jahan par service actually mein performance hui hai aur actual performance of service hua hai Dehradun mein. So, Dehradun aapke liye kya ban jayega? Place of supply. Theek hai? Haan ji sir, bahut badhiya. Ab aage badhiye. अगर आप किसी इवेंट में या किसी भी थीम पार्क में, अम्यूजमेंट पार्क में एडमिशन लेते हैं यानी कि आप उसमें एंट्री लेते हैं और एंट्री लेने के लिए आप टिकट परचेस करते हैं, तो जो टिकट आपने परचेस करी है उस पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगना चाहिए कि आईजीएसटी लगना चाहिए? इसके लिए क्या बोल रहा है कि सर प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगी प्लेस वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड और वेयर द पार्क और द अदर प्लेसेस लोकेटेड. तो जहां कहीं पर भी इवेंट हुआ है, जैसे कि बीसीसीआई ने आईपीएल करवाया और आईपीएल का एक मैच आपके कानपुर में हुआ ग्रीन पार्क में, और आपने ग्रीन पार्क का टिकट परचेस किया, तो इवेंट किधर हो रहा है? इवेंट हो रहा है ग्रीन पार्क में. तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगी? प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगी ग्रीन पार्क कानपुर, और कानपुर आता है उत्तर प्रदेश में. बात समझ में आ गया? क्वेश्चन देखिए. मिस्टर ए ऑफ पुणे बुक्ड ऑनलाइन फॉर द टाइगर सफारी एट रणथंबोर नेशनल पार्क. तो सर ये पार्क कहां लोकेटेड है? रणथंबोर में. एंड हायर्ड अ जीप टू बी टेकन अराउंड फॉर द सफारी. तो सर ये जो हायरिंग हुई है ये क्या है? ये एंसिलरी है. तो मेन सर्विसेज के साथ जुड़ी हुई सर्विसेज का भी प्लेस ऑफ सप्लाई मेन प्लेस ऑफ सप्लाई के बेसिस पे होता है. क्या बोला मैंने? कि आपकी मेन सर्विसेज से जुड़ी हुई सर्विसेज का भी प्लेस ऑफ सप्लाई मेन सर्विस का जो प्लेस ऑफ सप्लाई होता है वही होता है. यहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई है लोकेशन वेयर द पार्क इज लोकेटेड. तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज रणथंबोर फॉर द टिकट. ठीक है, तो टिकट के लिए भी रणथंबोर है, और जो ये आपने जीप हायर पे ली है इस जीप हायरिंग के लिए भी आपका जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो रणथंबोर ही है. अगला आता है कि अगर आपने इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट इंक्लूडिंग एंसिलरी सर्विसेज एंड असाइनिंग ऑफ स्पॉन्सरशिप टू सच इवेंट. तो अगर आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया है और उस इवेंट में अगर आपने स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज दी हैं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? अगर बी टू बी ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन की सर्विस एक रजिस्टर्ड पर्सन को दी गई है, तो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. और अगर बी टू सी हुई है तो लोकेशन वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड. तो अगर आपने कस्टमर को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट का सर्विस दिया है तो जहां पर इवेंट हुआ है, लेकिन अगर इवेंट आउटसाइड इंडिया हो गया, अगर इवेंट आउटसाइड इंडिया हो गया तो प्लेस ऑफ सप्लाई फिर से क्या बन जाएगा? लोकेशन ऑफ सर्विस रिसिपिएंट. आइए जरा इसका चार्ट बना के मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता हूं कि ये कहना क्या चाह रहा है. इंपॉर्टेंट है बच्चों ये वाला. कह रहा है अगर इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, क्या हुआ है? इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है तो इस इवेंट ऑर्गेनाइजेशन का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि जो सर्विस रिसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड है कि नहीं. अगर आपका सर्विस रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो आपका जो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा वो बनेगा सर्विस रिसिपिएंट का लोकेशन. और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो आप ये चेक करो कि इवेंट कहां हुआ है. अगर इवेंट इंडिया में हुआ है
इवेंट इंडिया में हुआ है तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा जहां पर इवेंट हुआ है वो जगह। और अगर इवेंट इंडिया में नहीं हुआ, आउटसाइड इंडिया हुआ है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगी? फिर से सर्विस रिसिपिएंट का लोकेशन। ठीक है, आइए एग्जांपल देखते हैं तो बातें ज्यादा क्लियर होती हैं। जस्ट फैशन लिमिटेड An Indian fashion designing company registered in Delhi host a fashion show at Toronto, Canada. The firm receives the services of ABC Limited of Mumbai for organizing the event. Determine the place of supply of services provided by ABC Limited. So, yahan pe jo service provider hai, सर्विस प्रोवाइडर है एबीसी लिमिटेड, और ये सर्विस प्रोवाइडर किधर का है? मुंबई का। इसने सर्विस रिसिपिएंट को इवेंट ऑर्गेनाइज करके दिया है, और सर्विस रिसिपिएंट कौन है? जैस फैशन लिमिटेड। और जैस फैशन लिमिटेड किधर का है? जैस फैशन लिमिटेड है दिल्ली का, और ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है वो किधर किया जा रहा है? कनाडा में किया जा रहा है। अभी फिलहाल क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये जो जेस फैशन है वो रजिस्टर्ड है। अगर ये रजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगी? दिल्ली। और अगर ये रजिस्टर्ड ना होता तो भी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनती? तो भी सर प्लेस ऑफ सप्लाई बनती दिल्ली ही। उसका रीजन, इवेंट जो है वो कहां हो रहा है? इंडिया के बाहर हो रहा है। अगर इवेंट इंडिया में हो रहा होता तो प्लेस ऑफ सप्लाई आपकी क्या बन जाती? प्लेस ऑफ सप्लाई आपकी बन जाती जहां इवेंट हो रहा है। मतलब कि अगर ये कनाडा में ना होके इवेंट अगर चेन्नई में हो रहा होता तो फिर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली ना बनता, फिर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बनता चेन्नई। यहां तक बात क्लियर हुई? ठीक है, आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल और कुरियर। तो हम गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हैं, और अगर आप गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन मेल और कुरियर से भी करते हैं तो भी आप इसी प्रोविजन में गवर्न हो जाएंगे। अगर आप ये सर्विस किसी रजिस्टर्ड बिजनेस को दे रहे हैं तो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि जो भी आपका सर्विस रिसिपिएंट का लोकेशन है वही आपके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। और अगर ये सर्विस बी टू सी को दी जा रही है तो लोकेशन एट विच सच गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन, जहां कहीं पर भी ये गुड्स हैंडओवर किए जाएंगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो जगह बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन किया गया है इंडिया के बाहर तो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स। ठीक है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स। फॉर एग्जांपल आपने गुड्स लाहौर भिजवाए तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा? लाहौर, बिकॉज लाहौर कम्स इन पाकिस्तान। क्लियर है? चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एबीसी एक गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी है जो कि दिल्ली में लोकेटेड है, और इन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं पीक्यूआर लिमिटेड को जो कि रजिस्टर्ड है इन गुड़गांव। इनका कंसाइनमेंट गया है नई मोटरसाइकिल्स का फ्रॉम द फैक्ट्री ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड इन गुड़गांव एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू इट्स डेपो इन भोपाल, मध्य प्रदेश। डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर सर्विस रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा सर्विस रिसिपिएंट का लोकेशन, और हमारा जो सर्विस रिसिपिएंट है वो है पीक्यूआर लिमिटेड, और पीक्यूआर लिमिटेड जो भैया हैं वो रजिस्टर्ड हैं इन गुड़गांव। तो पीक्यूआर की जो लोकेशन है यानी कि जो गुड़गांव है वो बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अब गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कहां से हुआ है?
A consignment of new motorcycle from the factory of PQR Limited in Gurgaon is transported to depot in Bhopal, Madhya Pradesh, determine the place of supply for the transportation of goods. So, agar ye service recipient registered nahi hota, to place of supply banti location where goods are handed over. और सर मजे की बात है कि गुड़ कहाँ पे हैंडओवर किए गए हैं, गुड़ गुड्स जो हैं वो हैंडओवर किए गए हैं गुड़गांव में, क्योंकि फैक्ट्री गुड़गांव में है, तो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है गुड़गांव से भोपाल। तो अगर ये रजिस्टर्ड होता तो भी आपका लोकेशन क्या बनता, गुड़गांव, और अगर रजिस्टर्ड ना होता तो बनता गुड़गांव, रीजन फैक्ट्री वहां पे। अब मान लेते हैं कि फैक्ट्री गुड़गांव में नहीं है, फैक्ट्री मुंबई में है, एज्यूम क्या कर लेते हैं फैक्ट्री किधर है, फैक्ट्री अगर मुंबई में है तो प्लेस ऑफ सप्लाई फिर क्या बन जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई फिर बनेगी आपकी मुंबई। क्लियर है, अगले पॉइंट पे मूव करते हैं। अगला पॉइंट है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन अगर बी टू बी हो रहा है तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन यानी कि सर्विस रिसिपियंट, और बी टू सी हो रहा है तो प्लेस वेयर द पैसेंजर एम्बार्क द कन्वेंस फॉर द कंटिन्यूस जर्नी, यानी कि वो जगह जहां पर पैसेंजर कन्वेंस पे चढ़ा है, दैट प्लेस विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। एग्जाम्पल देखिए, मिस्टर ए पार्टनर है मेसर्स एबीसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में, और फर्म किधर की है, दिल्ली की है। He went to Mumbai for a audit purpose. He purchased from Jaipur Airlines, जो कि राजस्थान में registered है, air ticket from Jaipur to Mumbai, disclosing the name of the organization. इन्होंने अपने organization का name बता दिया कि Messrs. ABC Chartered Accountant के नाम पर आप ticket register करिएगा, और उसका registration number भी बता दिया। To determine the place of supply of service. तो अब यहाँ पर जयपुर एयरलाइंस किसको सर्विस दे रही है, यहां पर जयपुर एयरलाइंस एबीसी फर्म को सर्विस दे रही है, यानी कि ये सर्विस बी टू बी है, और जब बी टू बी होती है तो जो एबीसी फर्म का लोकेशन है वही क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई, यानी कि दिल्ली हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। What would be your answer in case Mr. A does not disclose the particulars of the organization? अगर वो particulars of organization नहीं देते तो ये B2C transaction हो जाता, और B2C transaction में जहां पर ये convince को embark करेंगे for continuous journey वो बनेगा place of supply, और इन्होंने इसको embark किया है जयपुर में, टिकट कहां से ली गई है, फ्रॉम जयपुर टू मुंबई, तो फिर उस केस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाता, उस केस में फिर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता जयपुर। अगला पॉइंट आता है सर्विसेज ऑन बोर्ड अ कन्वेंस, अगर आपको ऑन बोर्ड कन्वेंस सर्विसेज मिलती हैं तो जो आपका फर्स्ट स्केड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर होगा कन्वेंस का वो बन जाएगा आपका, जो फर्स्ट स्केड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर होगा कन्वेंस का वो आपका क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल फ्लाइट आ रही है दुबई से दिल्ली, और दिल्ली से ये फ्लाइट जाएगी सिंगापुर, और आपको इधर दिल्ली टू सिंगापुर में मूवी ऑन डिमांड की सर्विस मिली है, तो इस मूवी ऑन डिमांड ऑफ सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा फर्स्ट स्केड्यूल डिपार्चर, और पहली बार फ्लाइट ने डिपार्ट किया है दुबई से, तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, दुबई। और दुबई कहां आता है, दुबई आता है नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, और नॉन टैक्सेबल टेरिटरी पे अगर कोई सप्लाई है तो उस पर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होती है। अगला पॉइंट आता है बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेस इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग, बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेस इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग। तो जो रिसिपियंट का लोकेशन है, लोकेशन ऑफ द रिसिपियंट ऑफ सर्विसेज इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर वो बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, और अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस इफ द लोकेशन ऑफ द रिसिपियंट ऑफ सर्विस इज नॉट अवेलेबल, तो अगर बैंक के पास सर्विस रिसिपियंट का एड्रेस अवेलेबल है तो सर्विस रिसिपियंट की लोकेशन,
और अगर बैंक के पास सर्विस रिसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो जो बैंक की लोकेशन होगी वो बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अब कब बैंक के पास सर्विस रिसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल होगा? सर, बैंक के पास सर्विस रिसिपिएंट का एड्रेस तब अवेलेबल होगा जब सर्विस रिसिपिएंट का उस बैंक में कोई अकाउंट हो, उसने वहां पे केवाईसी करवा रखी हो। तो अगर कस्टमर का बैंक में अकाउंट है तो सर्विस रिसिपिएंट का लोकेशन, और सर्विस रिसिपिएंट का अगर बैंक में अकाउंट नहीं है तो उस केस में जो बैंक का लोकेशन होगा वो बनेगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। इसके बाद अगला पॉइंट आता है इंश्योरेंस कंपनी के केस में क्या बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर बी टू बी सर्विस मिल रही है तो सर्विस रिसिपिएंट का लोकेशन, और बी टू सी मिल रही है तो भी आपका जो सर्विस रिसिपिएंट का लोकेशन है वही बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। यानी कि इंश्योरेंस कंपनी जब सर्विसेज देती है तो बी टू बी हो चाहे बी टू सी हो, दोनों ही केसेस में वो क्या बनेगी? दोनों ही केसेस में वो बनेगा आपका सर्विस रिसिपिएंट का लोकेशन। और अगर बैंकिंग कंपनी का केस है इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग, बैंकिंग कंपनी के साथ स्टॉक ब्रोकिंग भी आ रही है, अगर बैंक और स्टॉक ब्रोकिंग फर्म के पास आपका एड्रेस है तो आपका लोकेशन, अगर उनके पास एड्रेस नहीं है तो बैंक या फिर स्टॉक ब्रोकिंग का लोकेशन। आपने एडवर्टीजमेंट सर्विसेज दी है गवर्नमेंट को तो हर वो स्टेट बनेगी प्लेस ऑफ सप्लाई जहां पर आपने गवर्नमेंट की उस एडवर्टीजमेंट को ब्रॉडकास्ट किया होगा, डिस्प्ले किया होगा, रन किया होगा या डिसएमिनेटेड किया होगा। बात समझ में आ गया? फॉर एग्जांपल, मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट के स्वच्छ भारत अभियान का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, मैं उसे यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, इन तीन स्टेट्स में चलाऊंगा, तो ये तीनों स्टेट्स ही क्या बन जाएंगी? प्लेस ऑफ सप्लाई। ईच सच स्टेट वेयर द एडवर्टीजमेंट सर्विसेज हैज बीन प्रोवाइडेड विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ओके, लास्ट सर्विस आती है टेलीकम्युनिकेशन की सर्विसेज। आपके पास घर में D2H कनेक्शन है, घर पे आपके पास मोबाइल कनेक्शन है, तो इन सब का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? कह रहा है कि अगर आपको सर्विस प्रोवाइड करी गई है इन्वॉल्विंग फिक्स्ड लाइन लीज्ड या फिर इंटरनेट लीज्ड सर्किट के थ्रू या फिर डिश एंटीना के थ्रू, कुल मिला के अगर आसान भाषा में बोलूं कि सर्विस रिसीव करने के लिए अगर आपके घर में या आपके ऑफिस में या फिर किसी भी जगह में डिवाइस इंस्टॉल की गई है तो जहां पर ये फिक्स्ड इक्विपमेंट है, जहां पर भी ये फिक्स्ड इक्विपमेंट इंस्टॉल किया गया है वो बन जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर आपके पास पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन है या फिर इंटरनेट कनेक्शन है तो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा जहां पर आपका ये बिल होके आता है। तो जो भी आपका बिलिंग एड्रेस है, जहां कहीं पर भी आप बिलिंग रिसीव करते हैं वो जगह बन जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर आपके पास प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन है और आप इसका रिचार्ज किसके थ्रू करवाते हो, किसी सेलिंग एजेंट के थ्रू करवाते हो, किसी रीसेलर के थ्रू करवाते हो या फिर किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू करवाते हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा एड्रेस ऑफ सच सेलिंग एजेंट, रीसेलर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर। फॉर एग्जांपल, आप अपना मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए अपने घर के पास की किसी दुकान पे जाते हैं, वहां से आप रिचार्ज करवाते हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा शॉप फ्रॉम वेयर यू गेट योर रिचार्ज डन। ठीक है, बाय एनी पर्सन टू फाइनल सब्सक्राइबर लोकेशन वेयर द प्री पेमेंट इज रिसीव्ड और द प्लेस ऑफ सेल ऑफ वाउचर। तो अगर आपने वाउचर्स के थ्रू रिचार्ज करवाया है तो जहां कहीं पर भी आपको ये वाउचर सप्लाई किया गया है वो जगह बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से कराते हो, यानी कि से आपने पेटीएम से करा लिया या आपने आपने वोडाफोन की ही ऐप से करा लिया रिचार्ज, आपने फ्री चार्ज से करा लिया, मतलब कुल मिला के अगर आपने ऑनलाइन रिचार्ज करा लिया तो उस केस में जो भी रिसिपिएंट की लोकेशन रहेगी वो बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। इन तीन के अलावा अगर और कोई सिनेरियो है तो जो भी एड्रेस आपका अवेलेबल है सर्विस रिसिपिएंट के पास, वो सॉरी सर्विस प्रोवाइडर के पास, वो बन जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। आइए फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं तो बातें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। मिस्टर एक्स इज रिसाइडिंग इन दिल्ली, मिस्टर एक्स इज रिसाइडिंग इन दिल्ली विद द सॉरी मिस्टर एक्स इज रिसाइडिंग इन दिल्ली ट्रेवलिंग विद द इंडियन एयरलाइंस इज प्रोवाइडेड मूवी ऑन डिमांड सर्विस ऑन बोर्ड एंटरटेनमेंट ड्यूरिंग कोलकाता दिल्ली लेग ऑफ बैंकॉक कोलकाता दिल्ली फ्लाइट। तो फ्लाइट बैंकॉक से कोलकाता आएगी
और कोलकाता से फ्लाइट दिल्ली जाएगी, आपको कोलकाता दिल्ली लेग में मूवी ऑन डिमांड की सर्विस मिली है। तो जब कभी भी ऑन बोर्ड कन्वेंस आपको सर्विस मिलती है, प्लेस ऑफ सप्लाई बनता है फर्स्ट स्केड्यूल डिपार्चर, और फर्स्ट स्केड्यूल डिपार्चर हुआ है बैंकॉक से, तो आपका जो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा बैंकॉक। अ पर्सन फ्रॉम मुंबई गोज टू कुल्लू मनाली एंड अवेल्स सम सर्विसेज फ्रॉम द आईसीआईसीआई बैंक इन मनाली, व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? अभी अभी मैंने बताया कि अगर सर्विस रिसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल होगा सर्विस प्रोवाइडर के पास यानी कि बैंक के पास, तो सर्विस रिसिपिएंट का लोकेशन, सर्विस रिसिपिएंट का अगर एड्रेस अवेलेबल नहीं होगा तो बैंक का लोकेशन। अब इस क्वेश्चन में हमें यह नहीं पता लग रहा कि ये मिस्टर ए का ICICI बैंक के पास अकाउंट है कि नहीं, तो अगर इनका ICICI बैंक के पास अकाउंट है तो चाहे ये मनाली जाएं, चाहे ये मुंबई जाएं, चाहे ये चेन्नई जाएं, चाहे ये कन्याकुमारी जाएं, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? सर्विस रिसिपिएंट का लोकेशन यानी कि कस्टमर का लोकेशन। लेकिन अगर इनका ICICI बैंक में अकाउंट नहीं है और ये मनाली जाके कोई सर्विसेज अवेल करते हैं, तो उस केस में जो बैंक का लोकेशन होगा वो बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। इसके बाद अ पर्सन फ्रॉम गुड़गांव ट्रैवल्स बाय एयर इंडिया फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, अ पर्सन फ्रॉम गुड़गांव ट्रैवल्स फ्रॉम एयर इंडिया फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली एंड गेट्स हिज ट्रैवल इंश्योरेंस डन इन मुंबई। तो इंश्योरेंस के केस में हमेशा जो सर्विस रिसिपिएंट का लोकेशन होता है वो बनता है प्लेस ऑफ सप्लाई, यानी कि आपका जो गुड़गांव होगा वो बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड अ प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया एंड अपॉइंटेड एबीसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी ऑफ हरियाणा फॉर एडवर्टाइजिंग द प्रोजेक्ट ऑल ओवर द कंट्री। एबीसी एजेंसी एडवर्टाइजेस द प्रोजेक्ट इन ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई। सर, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगी? ऑल स्टेट्स। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था कि यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, तो ईच एंड एवरी स्टेट वेयर द एडवर्टीजमेंट सर्विसेज हैज बीन प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहां पर सब स्टेट्स क्या बनेंगी? प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएंगी। डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। मिस्टर एक्स ने अवेल करी है लैंडलाइन सर्विसेज, लैंडलाइन सर्विसेज मिलने के लिए डिवाइस को इंस्टॉल किया जाता है, तो जहां कहीं पर भी डिवाइस को इंस्टॉल किया गया होगा वो बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। द टेलीफोन इज इंस्टॉल्ड इन द रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस इन जयपुर, तो जयपुर आपका बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। मिस्टर एक्स हैज अवेल्ड द पोस्टपेड मोबाइल सर्विसेज, तो पोस्टपेड सर्विसेज के केस में जो बिलिंग एड्रेस होता है वो बनता है प्लेस ऑफ सप्लाई। द बिलिंग एड्रेस इज ऑफ द रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस ऑफ मिस्टर एक्स इज इन जयपुर, तो फिर से आपका जो रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस है वो बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। इन्होंने प्रीपेड मोबाइल वाउचर खरीदा है, तो जहां से वाउचर खरीदा है वो बन जाता है मिस्टर एक्स इज परचेज प्रीपेड वाउचर रजिस्टर्ड इन बेंगलुरु थ्रू द इंटरनेट बैंकिंग। कैसे लिया है? इंटरनेट बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक मोड से। तो जब इलेक्ट्रॉनिक मोड से लेते हैं तो जो एड्रेस अवेलेबल होता है ऑन रिकॉर्ड वो बन जाता है प्लेस ऑफ सप्लाई, और एड्रेस अवेलेबल है जयपुर का, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा? जयपुर। आज के लिए इतना रखते हैं, सेक्शन नंबर 13 रह गया है, उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है लाइक करिए, कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करना तो भूलिएगा ही मत। ओके, आज के लिए इतना रखते हैं, टाटा बाय, टेक केयर।